आईजी विनोद कुमार की जानबाज पुलिस टीम ने इनामी दो बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। यक्ष मौक फुरकान मलिक की रिपोर्ट। मुरादाबाद मंडल के आईजी विनोद कुमार सिंह और एसपी सिटी अंकित मित्तल के निर्देश पर मुरादाबाद में बदमाशों की धरपकड़ के साथ चलाया गया चेकिंग अभियान में बीती रात मुरादाबाद पुलिस टीम ने 40 से अधिक घटनाओं के अंजाम देने वाले दो बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों बदमाशों के पास से तमंचे और लूट की रकम भी बरामद की है। क्षेत्र में आईजी और एसपी की जनता जमकर कार्य की सराहना की है। मुरादाबाद के नगर एसपी सिटी अंकित मित्तल ने रविवार की दोपहर अपने आवास पर पत्रकारों से प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी कि बाइक सवार बदमाशों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। सर, ये कटघर थाना क्षेत्र में जो रिपोर्ट हुई है पुलिस और बदमाशों के बीच, क्या मामला सामने आया और कितने जो घायल बदमाश पर कितने रुपए के आरोप नामित है? ये कल रात जो है कटघर पुलिस जब चेकिंग कर रही थी तो उस दौरान मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि जो जनपद में जो लूट की घटनाएं घटित हुई हैं उनसे संबंधित अभियुक्त जो हैं वो एक रास्ते से आ रहे हैं। उसी सूचना पर जब ताक लगाकर पुलिस टीम वहां पर पहुंची तो सामने से दो बाइक आ रही थी जो कि पुलिस के द्वारा टॉर्च लगाने पर जब रोकने का प्रयास किया गया तो वे लोग उसमें से एक बाइक जो है वो वहाँ बाइक वापस कटकर भाग गए और दूसरी बाइक जो है घुमाते समय गिर गई और तुरंत पुलिस को देखकर उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। उसी क्रम में जब पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई तो दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई और उनसे उपचार के दौरान जब उनसे बातचीत की गई तो उनके द्वारा कुछ घटनाएं इस जनपद की और अन्य जनपद की कबूल की गई हैं और इसके अलावा दोनों बदमाशों पर लगभग 40 मुकदमे इस जनपद और अन्य जनपद से दर्ज हैं। पकड़े बदमाशों से कोई अवैध हथियार बरामद की गई? पकड़े गए बदमाशों से लूट में प्रयुक्त तमंचा और लूटी गई धनराशि और इसके अलावा एक बाइक स्प्लेंडर जो है वो बरामद हुई है। घटना में कोई पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है? घटना में एक सिपाही सतवीर जो है उसके हाथ पर गोली लगी।